तुम्हारी हिम्मत कैसे? मुझे भी चिंता हो रही थी। थैंक गॉड आप ठीक हो, कुछ नहीं हुआ आपको। मैंने सुना सब कुछ, डॉक्टर ने जो कहा, आपको कुछ नहीं होगा। तुमने जो डिवोर्स पेपर साइन किए, ये प्रॉपर्टी के पेपर भी उसी में ही थे जो तुमने साइन कर दिए, और अब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई। क्यों आई हो तुम यहाँ? रुद्र और मेरे बीच में जो भी हुआ वो हमारे बीच की बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि उसकी वजह से मेरी आपके लिए फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। आप मेरी माँ और हमेशा रहोगी। जब मुझे पता चला कि आप सीढ़ियों से गिर गए हो, आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो एक मिनट, तुम्हें किसने बताया मैं सीढ़ियों से गिर गई? तुम्हें कैसे पता चला? बस यही बाकी था। कन्ना, आपको घर से करके आना चाहिए था ना। अरे पर ये तो नेचर्स कॉल है ना, कहीं पे भी कभी भी आ सकती है। मेरे कन्ना के पास हर बात का जवाब है ना। चलो आपको वॉशरूम लेके चलती हूँ। हाँ, मेंस में लेके चलोगी ना? हाँ बेटा, मुझे पता है आप बॉय हो। चलो हाँ, चलो फिर। मैं यही वेट करती हूँ कन्ना। हाँ चलो। हाँ, इतना गलत किया तुमने हमारे साथ, फिर भी दिल नहीं भरा। जासूसी कर रही हो हमारी? बोलो कैसे पता चला? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। अरे जाओ, तुम मुझसे बात करने के लायक भी नहीं हो। और एक बात सुन लो, अगर तुमने फिर से रुद्र, प्लीज इसे मत करो अभी। प्रीशा तुम भी। ये क्या, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? जल गया बस थोड़ा। जल गया? कैसे जल गया? तुमने ध्यान नहीं दिया प्रीशा, कैसे जल गया? डॉक्टर को दिखाया, दर्द हो रहा होगा ना? क्या बोला डॉक्टर? रिश्ते अपने मन के सच्चे होते हैं, उनके भी रिश्तों से अच्छे होते हैं। बहू नहीं बेटी बन गई थी तुम। मुझे जीना सिखाया, हंसना बोलना सिखाया, मुश्किलों से लड़ना सिखाया, गलत नहीं सहना ये भी तुम ही ने सिखाया। फिर तुम क्यों इतना गलत कर रही हो? नहीं प्रीशा, मेरी बेटी इतना गलत नहीं कर सकती। जरूर कोई वजह है, कोई बात और होगी, नहीं तो तुम रुद्र के साथ इतना गलत कर ही नहीं सकती। बोलो, मैं सच सोच रही हूँ ना, ऐसा ही कुछ है ना? बोलो ना, बोलो बेटा। हाँ नहीं माँ, आप माँ हो इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हो, कोई और वजह नहीं है कि मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ अपने प्यार के लिए, और वो है मेरा बेटा सारांश। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अब ठीक हो ना? मैं दो मिनट में आता हूं। तू कितना भी छुपा ले रुद्र, तेरी आंखों में अब भी वही प्यार दिखता है प्रीशा के लिए जो पहले था।
जानती हूं तू प्रिशा के पास ही गया है, जबकि तू उसे देखना भी नहीं चाहता। और प्रिशा यहां आ गई है और उसने बताया भी नहीं, उसे कैसे पता चला मेरे गिरने के बारे में? कुछ तो चल रहा है तुम दोनों के बीच में जो और कोई नहीं जानता। प्रिशा, प्यार का ये बंधन सदियों पुराना, क्या अपना और क्या बेगाना, जो मन से बनाए जाते हैं वो रिश्ते रब के नवाजे होते हैं। प्यार वाले धागों से बुने ये नाते नसीब वाले ही पाते हैं। ये है चाहते, ये है चाहते इश्क वालों की, ये है चाहते। ज्यादा छूट तो नहीं आई? नहीं, एक तो दिन में ठीक हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। तो तुम यहां पे हो, मैं दवाई लेके तुम्हारी कहां कहां ढूंढ रहा हूं तुम्हें, पर तू भी यहाँ पे। कोई प्लान बनता क्या दोनों का? माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, सीढ़ियों से गिर गई थी। अच्छा, सॉरी, वरना मुझे लगा। एक मिनट, अभी सही तो लगा मुझे, बिल्कुल सही लगा। इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल आना था, इसलिए पापा कह रहे थे मुझे हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। मतलब? कुछ नहीं, तुम बकवास बंद करो। नहीं नहीं, एक सेकंड प्रिशा, उसको बोलने दो। हाँ बोल, क्या बात है? मैडम जी ने अपना हाथ जानबूझ के जलाया है। यहाँ हॉस्पिटल आने के लिए जाए ताकि तुमसे और तुम्हारी माता श्री से मिल सके, है ना? तभी तो मैं सोचूं कि इस मौसम में पकौड़े कौन बनाता है, और जो इंसान इतना चकूक है गरम गरम तेल अपने हाथ पे डाली वो भी जानबूझ के, और फिर क्या करने लगी, ड्रामा करने लगी, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो, मुझे हॉस्पिटल जाना, सिटी हॉस्पिटल जाना है। तुमने तुमने सच में यहाँ आने के लिए तो क्या करती? तुमने मुझे फोन ही नहीं किया, मैं फोन कर रही थी तुम उठा नहीं रहे थे। मुझे इतनी चिंता हो रही थी कहीं कहीं माँ को कुछ हो ना गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा मैं यहाँ हॉस्पिटल आऊंगी, डॉक्टर से बात करूंगी, तो ऐसे कौन करता है?